प्रसाद साहित्य की मूल संवेदना। जयशंकर प्रसाद अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में एक विद्रोही कवि नहीं रहे। उनकी काव्य प्रतिभा क्रमशः विकसित हुई। वे द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों से आधुनिक अभिव्यक्ति कौशल तक की यात्रा करते हैं। उनमें ब्रजभाषा की परंपरागत प्रवृत्तियाँ भी हैं और साथ ही खड़ी बोली की नवीनता की। जिस समय प्रसाद ने हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रवेश किया, ब्रजभाषा काव्य का माध्यम बनी हुई थी। प्रसाद ने भी अपने काव्य जीवन का प्रारंभ ब्रजभाषा में ही किया। चित्रधार उनका प्रथम संग्रह है। उनकी ब्रजभाषा की प्रारंभिक कविताओं में भक्ति और श्रृंगार की प्रधानता है, जो ब्रजभाषा काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। किंतु प्रसाद की कविताएँ अलंकारों के बोझ और समस्या पूर्ति की सीमाओं से मुक्त हैं। उनमें अनुभूति की प्रधानता और अभिव्यक्ति की नवीनता है। प्रसाद की प्रारंभिक कविताओं में भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त प्रकृति विषयक कविताओं का भी आधिक्य है। उनकी प्राकृतिक चित्रण में भी परंपरागत प्रकृति वर्णन से अलग कुछ विशिष्टता है। भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में प्रसाद की कविता प्रारंभ से ही भाव की जिस सूक्ष्मता, नवीनता और विशिष्टता को अभिव्यक्त करती है, उसी का विकास उनकी परवर्ती कविताओं में अधिक प्रौढ़ और परिष्कृत रूप में देखा जा सकता है। अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभ में प्रसाद ने ब्रजभाषा के साथ ही खड़ी बोली में भी लिखना शुरू कर दिया था। इंदु में उनकी ब्रजभाषा और खड़ी बोली की रचनाएं साथ साथ प्रकाशित होती थी। कानन कुसुम उनकी खड़ी बोली रचनाओं का संकलन है। यह वह समय था जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली का परिष्कार कर रहे थे। प्रसाद की प्रारंभिक रचनाओं पर भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव लक्षित होता था। द्विवेदी युगीन कविता और आदर्शवादी नैतिक दृष्टि के कारण ब्रजभाषा की श्रृंगारिक प्रवृत्तियों का विरोध कर रही थी, किंतु इस प्रयास में वह इतिवृत्तात्मक और कृत्रिम अधिक। इसमें कवि की सूक्ष्म शक्ति और गहन अनुभूति का अभाव था। अपनी स्थूलता के कारण वह पाठक को प्रभावित करने में समर्थ नहीं थी। कहना न होगा कि प्रसाद ने इस काल में अपनी कविता द्वारा एक नई काव्य दिशा का संकेत किया, जिसे हम छायावाद कहते हैं। उसकी विशेषताएं पहली बार सबसे अधिक प्रसाद के ही काव्य में स्पष्ट होती हैं और उनका चरम विकास भी प्रसाद के काव्य में ही दिखाई पड़ता है। प्रसाद ने अपने परंपरा को स्वीकार किया है और सर्वत्र उससे रस ग्रहण करते रहे देखे जा सकते हैं। वे संस्कृत काव्य परंपरा से बहुत गहरे प्रभावित हैं, साथ ही बंगाल की तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों से भी और यूरोप की नवीन विचारधाराओं से भी उन्होंने युग से प्रेरणा ली है। युगीन प्रवृत्तियों से भी प्रवृत्तियों को समाहित कर अपनी कविता को एक नवीन आभा से मंडित किया है। किंतु यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि प्रसाद पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय परंपरा और भारतीय चिंतन का है। वह शायद आधुनिक हिंदी काव्य के सबसे बड़े भारतीय कवि हैं। संस्कृत साहित्य परंपरा प्रसाद की प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने अपनी कविताओं का कथानक प्राय संस्कृत साहित्य से चुना। वह भारतीय संस्कृति के कवि हैं। उनके नाटकों के चित्र और चरित्र उनकी कामायनी का की श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। भारतीय परंपरा और भारतीय वे देश में अतीत की ओर जाते हैं, कामायनी में भी अतीत की ओर जाते हैं, आंसू में अपने ही प्रेम के अतीत में जाते हैं। यह अतीत प्रेम कभी प्रसाद की एक विशेषता है। वह अतीत प्रेम नहीं बल्कि विषाक्त की भूमिका में प्रसाद दिखते हैं। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए लाभदायक होता है। हमारी गिरी हुई दशा को उठाने के लिए हमारे जलवायु के अनुकूल जो हमारे अतीत सभ्यता और उससे बढ़कर कोई और भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें मुझे पूर्ण संदेह है। कहना न होगा कि प्रसाद आदर्शों और मूल्यों के कवि हैं। भारतीय संस्कृति तथा भारतीय दर्शन की लोकमंगल सृष्टि को उन्होंने अपने साहित्य की दृष्टि बनाया है। प्रेम, त्याग, उत्सर्ग, करुणा, आस्था और निष्काम कर्म भावना पर बार बार जोर देते हैं, उनके मूल्यों को रेखांकित करते हैं। कामायनी में भी श्रद्धा के माध्यम से इन्हीं मूल्यों पर जोर दिया गया है। प्रसाद किस काल की उपज हैं? ये काल मूल्यों के विघटन और बिखराव का काल है। पश्चिम और पूर्व के मूल्यों में जंग का काल है। उस समय भारतीय समाज पर पश्चिमी मूल्य हावी हो रहे थे। प्रसाद ने इसे लक्ष्य किया और एक प्रतिनिधि भारतीय लेखक के दायित्व का निर्वहन करते हुए भारतीय मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया। इसमें क्लासिक
की गरिमा है, वे उत्तेजित करने वाले कवि नहीं हैं। किंतु प्रसाद परंपरा के कवि होने के साथ स्वच्छंदतावाद ही के साथ ही स्वच्छंदतावादी आंदोलन